आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ्यक्रम विकास की जो प्रक्रिया की अवस्थाएं होती हैं, स्टेज ऑफ करिकुलम की जो बातें होती हैं, स्टेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की बात होती है, तो उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि इसमें जो होती है कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं जब भी हम कोई करिकुलम डेवलपमेंट या करिकुलम की बात करते हैं। तो सबसे पहला है शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। इसमें मैंने 6 पॉइंट की बात की है। जब भी हम स्टेजेस की बात करते हैं तो 6 स्टेप आते हैं। पहला है शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, उसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, उसके बाद विषय वस्तु के चयन का मापदंड जो क्राइटेरिया हम निर्धारित करते हैं, विषय वस्तु का गठन जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, देन अधिगम अनुभवों का चयन, जो भी हम अधिगम अनुभव लेना चाहते हैं उसका चयन करते हैं, उसके बाद हम पाठ्यचर्या का फिर मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद उसको लागू करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण किया कैसे जाता है। तो पाठ्यचर्या जो होता है क्या है, एक कंटिन्यूस और एक प्लानिंग वे में चलने वाली प्रक्रिया है। जो भी करिकुलम की हम बात करते हैं तो पाठ्यचर्या जो होती है, करिकुलम होता है एक नियोजित शैक्षिक कार्यक्रम होता है, और पाठ्यचर्या में समाज द्वारा जितने भी स्वीकृत व्यवहार हैं उन सभी चीज़ों को हम सिखाते हैं। जब भी हम स्टूडेंट्स को हम सिखाते क्या हैं, जो समाज में उसके लिए यूजफुल हो, जो समाज के द्वारा स्वीकार बिहेवियर है उसको हम सिखाने का काम करते हैं। तो जब भी हम पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे तो छात्र की आवश्यकता जो होती है, छात्र की आवश्यकता के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ समाज की आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो होता है, हम शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण करते हैं। चूँकि पाठ्यचर्या निर्माता समाज की शैक्षिक आवश्यकता के साथ साथ छात्र की शैक्षिक आवश्यकता को ही जानकर शिक्षा व्यवस्था की सीमा तथा शक्तियों पर विचार करके पाठ्यचर्या निर्माण पथ पर आगे बढ़ सकता है। जब भी हम आवश्यकता का बात करेंगे तो हम सोसाइटी को ध्यान में रखेंगे, साथ ही साथ छात्र की आवश्यकता, और दोनों को मिक्सअप करके हम आवश्यकताओं का निर्धारण जो होते हैं करते हैं। जो भी करिकुलम बनाएंगे उसमें छात्र के साथ साथ हम समाज की आवश्यकता का भी दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम क्या बनाते हैं, निर्धारण कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ जो भी आपका एम होता है, तो जो डिटर्मिनेशन ऑफ एम की बात करते हैं, जो भी एजुकेशनल एम है उसका हम डिटर्मिनेशन करते हैं शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। इसमें क्या करते हैं कि उद्देश्य का मतलब हम जानते हैं, अपेक्षित उपलब्धियों को विशिष्टता व स्पष्टता प्रदान करते हैं। उद्देश्य का मतलब ये होता है जो हमारी उपलब्धि आने वाली है, जिस अचीवमेंट को हम प्राप्त करने वाले हैं उसको विशिष्टता व स्पष्टता प्रदान करना ही उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हैं। पहला क्या हो जाएगा कि उद्देश्य विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, जो ऊपर हमने जाना है। उसके बाद उद्देश्य वर्गीकरण में ब्लूम वर्गीकरण की सहायता ली जाती है। ब्लूम वर्गीकरण आप लोग को याद होगा, 4 था, ठीक है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और सिंथेसिस और एनालिसिस, याद है कि नहीं आप लोग को? तो 5 जो स्टेजेस होता है उसको हम ध्यान में रखते हैं कि बच्चा जो होता है नॉलेज कैसे लेगा, फिर उसका अंडरस्टैंडिंग कैसा होगा, फिर उसका जो एप्लीकेशन कैसे करेगा जो भी नॉलेज लेगा, देन उसका सिंथेसिस कैसे करेगा और उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो ये ब्लूम वर्गीकरण को हम ध्यान में रखते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद उद्देश्य पर समय पर पुनर्विचार। जब भी हम आपको बोलते हैं ना कि हमारे जो उद्देश्य होते हैं शिक्षा के, वो समय पर बदलते रहते हैं, शैक्षिक उद्देश्य बदलते रहते हैं। शैक्षिक उद्देश्य कैसे बदलते हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि पहले कंप्यूटर की पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, अभी ICT का फील्ड ज़्यादा हो गया है, तो ICT एजुकेशन हम ज़्यादा प्रोवाइड करने लगे हैं बच्चों को। तो जो भी हमारा उद्देश्य है उस पर हमको समय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमको शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है। उसके बाद है बदलाव के प्रति समायोजन पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो भी अभी मैंने जो बताया कि कंप्यूटर का एजुकेशन अभी आ गया है, तो ICT के अकॉर्डिंग जो होता है, मेरा करिकुलम कुछ और था, अभी आपका करिकुलम कुछ और हो गया है, तो ये है बदलाव के प्रति हमको समायोजन पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो आज हमने जाना कि जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है उसके स्टेजेस क्या होते हैं, इसके मैंने 2 पॉइंट बताए हैं और 3, 4, 5 और 6 पॉइंट बच गया है जो मैं कल आपको बताऊँगी। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।